नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कुमार विश्वास के बयान को लेकर अब पंजाब की सियासत गर्मा गई है। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही यहां राजनीतिक भूचाल आता दिख रहा है। कुमार विश्वास ने पंजाब और अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुमार विश्वास के दावे की जांच करने की मांग की है, जिसमें कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो स्वतंत्र देश के पीएम बनना चाहते हैं। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पंजाब के सीएम चन्नी ने खुद ट्वीट किया है। चन्नी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री पीएम मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो कहा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही कहा कि राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा था, पहले आप ये भी सुन लीजिए। कोई समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुलका जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। केजरीवाल से नाराज चल रहे कवि कुमार विश्वास ने पंजाब चुनाव से ठीक पहले सनसनीखेज दावा किया और सियासी गलियारों में खलबली मच गई। इस बयान को कांग्रेस, भाजपा समेत दूसरी पार्टियों ने लपक लिया है और पंजाब में यह बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल इस दावे को बकवास बता चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अब चिंटू ट्रेंड होने लगा है। कुमार विश्वास के दो वीडियो आए हैं, पहला जिसमें वो अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाया है और दूसरा जिसमें उन्होंने चिंटुओं कहकर तंज कसा है। वो उस आत्मुग्ध इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने। उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो, अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूँ। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को। आ जाए एक दिन, किसी भी जगह पे आ जाए, आपके उस पर आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, किसी चौराहे पे आ जाए, दुनिया को बुलाते हैं और चैनल्स को धमकी देते हैं कि दिखाएंगे नहीं। ये क्योंकि मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं दो चैनलों का गवाह हूं जिन चैनल के दो पत्रकारों ने बड़े बड़े इंटरव्यू लिए थे दिल्ली चुनाव से पहले। मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्यों नहीं पूछा ये सवाल कि राज्यसभा की सीटें कैसे बेची, तुमने क्यों नहीं पूछा किसान आंदोलन पे सवाल, तुमने क्यों नहीं पूछी इन बातों पे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको मना किया गया था ऊपर से कि भाई ये मत पूछो, क्योंकि जब आप इतने इतने करोड़ों के पैकेज दोगे चैनल्स को तो उनमें डील ही होती है। अभी कल परसों मैं चैनल्स के इंटरव्यू देख रहा हूं, इतनी बड़ी बात चली लेकिन चैनल सवाल नहीं पूछ रहा उनसे कि भाई उसने ये कहा, इस पर क्या आपका जवाब है, आना कुछ तो करें। कुमार विश्वास के बयान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने इस पूरे मामले की प्रधानमंत्री मोदी से जांच के आदेश दिए जाने की अपील की है और कहा है कि पंजाब ने अलगाववाद की कीमत चुकाई है। बतौर पंजाब का मुख्यमंत्री मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वह एक निष्पक्ष जांच का आदेश दें। राजनीति से इतर प्रधानमंत्री पंजाब के हर व्यक्ति की चिंता का समाधान करें। इस खबर में इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।